तो फ्रेंड देख रहे हो कि जैसे कि ये आप हीथ का क्लास सिस्टम रहा, अब सबसे पहले हम काम करना ये है कि हम इसको किक पहले किक का सिस्टम बनाएंगे, यानी कि किक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, किक को कंप्लीट करने के लिए हमको ये स्प्रिंग चाहिए और ये इसका किक दो। एंड किक का काम कम्प्लीट हो गया है, किक हो चुकी है। अब इसके ऊपर से एक लॉक आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर से यहाँ पर एक लॉक फिट होता है, लॉक और कोई भी दिक्कत नहीं। इस लॉक को लगाने के लिए हमको नॉक प्लायर की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक नॉक प्लायर होता है, नॉक प्लास होता है। तो फ्रेंड इसका जो लॉक रहेगा, फ्रेंड लॉक रहेगा ये देखो आप, इस बार का एक लॉक होता है जो यहाँ पर होता है। ओके, तो हम इसको लॉक लगाते हैं। तो फ्रेंड अब ये इसका एक लॉक प्लास है, लॉक प्लास से हम ये लॉक लगाएंगे। ओके फ्रेंड, ये मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, कभी आपको लाइफ में कभी परेशानी ना आए किस रास्ते से होता है। फ्यूजिंग गियर बॉक्स का तो फिट करने का सिस्टम है, यानी कि गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस ये रहेगा इसका। फ्रेंड सबसे पहले अब हम लगाते हैं इसका प्राइमरी गियर। फ्रेंड आपको इधर मिल जाएगा क्लच सिस्टम में, यानी कि ये रहा इसका प्राइमरी गियर। ओके फ्रेंड, अब हम इसे लगाते हैं 5 पिन प्राइमरी का काम छोड़ के, यानी कि इसकी जो 5 पिन होती है गियर चेंजर की, वहाँ पर गियर कहाँ पर फिट होती है। ठीक है फ्रेंड, ये देख रहे हो आपके इसमें 4 पिनें मोटी हैं और 2 पिनें पतली हैं। ये 2 पिनें पतली जो हैं ये इधर ऊपर साइड में आएंगी इसके से, ये फिट होती है। अब इसको ऊपर से जस्ट गियर साफ आएगी, गियर साफट इसके फ्रेंड ये रहे, गियर साफट फिलहाल पुरानी ही पड़ ली है और इसमें खास प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है गियर साफट में तो ये जो दांते देख रहे हो आपके, ये दांते खराब होते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ से इस हिसाब से फिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमको सबसे पहले ये सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी क्लच प्लेटें फिट कर देते हैं, गियर साफट रख जाती है या फिर इंजन के पार्ट्स में। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले देखो मैंने किक लगाई, क्योंकि किक भी रहने के चांसेस होते हैं पर और गियर साफट रहने के भी चांसेस होते हैं। तो इसकी किक भी बैठ गई है और इसकी गियर साफट भी बैठ गई है, और अब हम लगाएंगे इसकी पत्ती, यानी कि इसकी पत्ती का बोल्ट होता है, जो मैंने आपको बताया है कि पत्ती पसंदों का बोल्ट ये होता है। ठीक है फ्रेंड, ये रही इसकी पत्ती, अच्छे से साफ करके इसको अच्छे से साफ करें आप जब भी फिट करते हो। और ये पत्ती पहले आप इसका अलाइनमेंट देख लें यहाँ पर, यानी कि ये जो गोलियां देख रहे हो आप, यानी कि इसके जो गोलियां हैं चार जो उधर, यानी कि पीने मानो, गोली मानो या फिर कुछ से टिपिट मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, उसके 4 निशान है, आप यहाँ से निशान का मेजरिंग कर सकते हो, इस हिसाब से आप इसको दिखा लें। ओके फ्रेंड, ये देख रहे हो आप एकदम नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अब इस पत्ती को आप ऐसे डाल लें। ठीक है फ्रेंड, अब इसका ऊपर से ये 2 नंबर का बोल्ट लगाएंगे आप, और तो ठीक है फ्रेंड, अब इसका ये जो बोल्ट है बोल्ट में लग चुका है और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको हिसाब से हम टाइट करते हैं, तो टाइट हो चुका है। ओके, अब बात आई इसकी जो, यानी कि स्टॉपर होता है, यानी कि इस पत्ती का एक स्टॉपर होता है, 5 के अंदर की एलएमटी होती है, एलएमटी का बोल्ट होता है। तो फ्रेंड ये रहा है वो स्टॉपर, इससे गियर एकदम करेक्ट चलते हैं 5 नंबर की एलएमटी से। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं इसको इस हिसाब से फिट कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हो शायद
फ्रेंड अभी टाइट हो गया प्रॉपर एकदम करेक्ट अच्छे तरीके से टाइट हो गया, यहाँ पर को फिट होता है। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम देखें तो चैनल गियर में पड़ी है, अभी हम इसको करते हैं न्यूट्रल। फ्रेंड अभी इस टाइम देखो प्रॉपर न्यूट्रल हो गई है, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एकदम साफ फ्री हो गई है। गियर स्टार्टर लग गई है, गियर चेंजर पत्ती लग गई है, स्टॉकर लग गया है, किक स्टार्टर लग गई है, कडोक लग गया है। ठीक है, इसका अभी ये प्राइमरी गियर भी लग गया है, प्राइमरी गियर काफी फ्री होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फ्रेंड इसकी जाली लगाते हैं हम, इसकी जाली जो है, इसकी जाली फ्रेंड ये रही इसकी जाली, देख रहे हो ये जाली की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है, यानी कि मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो आई बटन पे आप वहां जाके भी इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस टाइम इसको जाली ऐसे लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी मैकेनिक भूल जाते हैं। फ्रेंड देखो अब बात करते हैं ऑयल पंप की, यानी ऑयल पंप इंस्टॉल करते हैं। ऑयल पंप इंस्टॉल से पहले सबसे पहले फ्रेंड आपको ये एक डाउल देख लो, डाउल पिन जैसी है सिस्टम, पर ये ऑयल पंप की भूल गई यहाँ पर पड़ती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑयल पंप पड़ती है, इस हिसाब से थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देना है, तो ऑयल से अच्छा स्मूथ रहता है, कोई स्क्रेच स्क्रेच नहीं लगते हैं। और अब बात करते हैं हम इसके ऑयल पंप की। ऑयल पंप फ्रेंड ये रहा इसका ऑयल पंप। ऑयल पंप अभी इसमें फिलहाल ओल्ड ही पड़ रहा है, क्योंकि इसमें इतनी शिकायत नहीं थी, ये सीवी हुआ नहीं था, ये ऐसी ही आवाज़ की प्रॉब्लम थी इस इंजन में, तब जाके मैं इसका इंजन का काम कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि इसमें स्मोकिंग प्लस इंजन साउंड की प्रॉब्लम थी और इसमें पिकअप प्रॉब्लम, ठीक है, इनकी साउंड की ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैंने इंजन किया तो फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसमें जो था मतलब सिस्टम जो मैंने आपको बताया यही प्रॉब्लम थी। फ्रेंड आप इसको ऑयल पंप लगाने से पहले इसका पैकिंग चेक कर लें, पैकिंग कैसे डैमेज नहीं है, पैकिंग डैमेज है तो आप इसको पैकिंग चेंज कर लें। फ्रेंड तो मैं इसका भी पैकिंग चेंज कर रहा हूँ, तो फ्रेंड ये रहा इसका पैकिंग, पैकिंग देख रहा हूँ आपके, पैकिंग इसका काफ़ी बढ़िया है। जो पैकिंग किट यूज करता हूँ वो लक्की की यूज़ करता हूँ, लक्की की पैकिंग बड़ी सही होती है, बढ़िया होती है, एकदम मस्त होती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको पंप को बढ़ाने के बाद पहले आप इसका अलाइनमेंट देख लो फ्रेंड, अलाइनमेंट सही है तो फिर आप इसको एकदम आसान तरीके से बिठा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड ये ऑयल पंप जो है इसका लग चुका है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके तीन बोल्ट लगाने हैं हमको, आठ नंबर के तीन बोल्ट फ्रेंड दिखने के जो होते हैं वो इस हिसाब के होते हैं, यानी कि दो बोल्ट एक साइज के होते हैं और एक बोल्ट जो है एक बोल्ट थोड़ा ऊंचा होता है, बड़ा होता है बोल्ट, बड़ा वाला बोल्ट यहाँ पर लगता है, जो छोटे बोल्ट होते हैं वो यहाँ को लगते हैं। और अब इनको टाइट करने के लिए आरटी गोटी चाहिए, आरटी गोटी का ज़्यादा काम रहता है फ्रेंड, नहीं आठ का टी हैंडल, तो ये रहा इसका आठ का टी हैंडल। तो फ्रेंड इसके बोल्ट भी टाइट हो चुके हैं। ओके, अब बात आई क्लच सिस्टम, यानी कि क्लच प्लेट एंड क्लच सिस्टम फिट करने की। ठीक है फ्रेंड, क्लच प्लेट फिट करने से पहले फ्रेंड यहाँ पर इस पोजीशन में देखा, कोई वाशर वाशर नहीं पड़ी, इस पोजीशन से पहले यानी क्लच फिट होने से पहले, यानी ये जो कटोरा है कटोरा फिट होने से पहले यहाँ पर एक वाशर फिट होती है, जो वाशर होती है इस हिसाब की फ्रेंड, देखो इस हिसाब की एक वाशर होती है जो हमें यहाँ लगानी होती है। ओके, अब इसका एक बुश आएगा, बुश स्टैंड देखो मैंने आपको बताया, ये अगर गुंजे तो एकदम मिलता नहीं है आसानी से, और इसका आम करना में बहुत बारीक पुर्जा होता है, परेशान होता है बंदा, तो ये यहाँ पर आएगा। ओके फ्रेंड, अब इसमें जो आएगा डायरेक्ट क्लच कटोरा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फ्रेंड। ठीक है, अच्छे से साफ करके आप इसको इस हिसाब से फिट कर सकते हैं, देखो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये इस हिसाब से फिट हो गया। अब यहाँ पर जो आएगी फ्रेंड एक सिम वाशर आएगी, सिम वाशर जो होती है फ्रेंड एक बहुत बारीक सी वाशर होती है, एकदम यानी इतनी पतली, देख रहा हूँ आप कितनी पतली, और इस हिसाब के खांचे बने होते हैं इसमें जो यहाँ पे वाशर फिट होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर एक ये इस हिसाब से वाशर फिट होगी। ओके, क्लच का पूरा प्रोसेस ही है फ्रेंड, अगर क्लच कैसे खोलते हैं तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके उसका भी लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड
यानी कि कैसे कैसे खोलते हैं इसको, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ फिट करने की। फिटने के बाद कट वाशर होते हैं, तो दो ये हो गई कट वाशर है जो चांद के हिसाब से यानी कि चांद के लुक में होती है, पर ये ब्लैक है, चांद व्हाइट होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, ये लगती है यहाँ पर इस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, ये बढ़िया तरीके से एकदम फिट तरीके से हो गई है एकदम। तो इसको बताती है कटोरी वाशर। कटोरी वाशर उसे कहते हैं यानी कि जो वाशर में एक हल्का सा गहरा सा कट होता है, ये है कटोरी वाशर। ठीक है, ये कटोरी वाशर इसकी यहाँ पर आएगी। ओके फ्रेंड, ये क्लच की पूरी प्रोसीडिंग हो गई, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी फिट करके। अब इसकी क्लच सेंटर, क्लच हब फ्रेंड, ये है इसका क्लच सेंटर प्लेट और क्लच सेंटर हब। तो फ्रेंड इसको हम अच्छे से यानी कि ये मैंने दो तीन दिन पहले धो कर रख दिया था, थोड़ा सा कचरा दबा हुआ है यानी कि धूल, हल्की सी धूल है, तो इस वजह से इसको साफ करना पड़ रहा है फ्रेंड। और अब हम इसमें क्लच पैड फिट कर रहे हैं। क्लच पैड में डाल रहा हूँ फ्रेंड इसमें SKF की। तो फ्रेंड जैसे कि देख रहे हो आप, ये हीरो की ओरिजिनल है और ये SKF की। ठीक है, क्लच पैड है SKF की। इसका जो प्राइस है फ्रेंड 360 रुपये इसका प्राइस है, और इसका जो प्राइस है 169 रुपये इसका प्राइस है। तो फ्रेंड मैं इसको छोड़ के यानी कि हीरो की जो ओरिजिनल है मैं इसको SKF की डालूंगा। तो फ्रेंड SKF का भी रिजल्ट अच्छा है और गाड़ी के मुताबिक बढ़िया है। इसकी क्वालिटी जो है काफी बहुत शानदार। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, ये अब बिल्कुल कम्प्लीट हो गया सेटअप, और अब उसको करते हैं फिट। इस हिसाब से इसको फिट करना है हमको। ये फिट हो चुका है, तीन प्लेट है इस खांचे में आई है और एक प्लेट वाले खांचे में आई है। अब इसका जो बोल्ट है फ्रेंड, एक वाशर है, एक वाशर और एक ये छोटा वाला बोल्ट है चक्कर। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको ऐड करते हैं। चूड़ियाँ होती है फ्रेंड, वो सीधी ही चूड़ियाँ होती है। इसको टाइट करने के लिए हमको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड इसको टाइट करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी। मशीन कर दी है और हल्के से मशीन से ही टाइट होता है। छेने थोड़ी सी वर्क कर। तो फ्रेंड ये बोल्ट भी टाइट हो चुका है। ओके फ्रेंड, और अब जो पड़ेंगे इसमें स्प्रिंग पड़ेंगे, स्प्रिंग पड़ने हैं चार स्प्रिंग। फ्रेंड देख रहे हो ये स्प्रिंग पड़ेंगे इसमें, ऊपर से ये प्लेट फिट होती है, ये प्लेट यहाँ पर इस हिसाब से फिट होती है। और इसके जो बोल्ट हैं 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, वो भी कैप वाले यानी कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस एंड सीटलेस और कैफे प्रो, जो 2015-16 मॉडल जो हैं उन गाड़ियों में जो बोल्ट आए हैं ये कैप वाले 10 नंबर के बोल्ट हैं। ये 10 की गोटी से खुलते हैं, 10 की गोटी से ही टाइट होते हैं। ठीक है, अच्छे होते हैं यानी कि 3 गोटी से ही खुलते हैं, 3 गोटी से ही अच्छे टाइट होते हैं। फ्रेंड को पहले आप एक एक आमने सामने का बोल्ट टाइट करना, जब कोई भी अगर आप फिट करते हो तो पहले आमने सामने का बोल्ट टाइट। ठीक है, अगर हम पहले एक एक करके यानी कि हटाइट किया, ये हटाइट किया, तो प्लेट टूटने पकड़ा रहता है और टूट भी जाती है सारी प्लेट। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बोल्ट भी टाइट हो चुके हैं, चारों बोल्ट टाइट हो गए। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम इसके कटोरी की, यानी कि यहाँ पे जो एक कटोरी लगी रहती है इसमें ऑयल, ये कटोरा प्लेटें डिप रहती हैं यानी कि इसमें भीगी हुई रहती हैं, वो कटोरी लगाते हैं। तो फ्रेंड ये रही वो कटोरी जिसमें प्लेटें हमेशा टिप रहती है। इसके दो बोल्ट हैं यानी कि 1 इंच के समथिंग के बोल्ट होंगे, 8 नंबर के कैप के बोल्ट हैं, चूड़ियां 10 नंबर की हैं। तो फ्रेंड ये बोल्ट भी टाइट करने के लिए हमको एक 8 की की चाहिए। ये भी टाइट हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसके क्लच कटोरे के व्हील की, यानी कि व्हील बैलेंसर अलाइनमेंट जो भी है एक, और
हुक्का पीने वाले चिलम जैसे भी लगता है, जैसे कि पुराने जमाने के जो हुक्का पीते थे ना वैसी एक चिलम होती थी, तो वैसी ही सेम एक चिलम भी है ये। और इसको हर जगह अलग अलग नाम से पहचानते हैं हर एक मुखिया भाई, तो अब इसको करते हैं फिट। ठीक है फ्रेंड, ये फिट हुई। ओके फ्रेंड, तो अब इसका हमें बोल्ट लगाना है। बोल्ट लगाना फ्रेंड, ये इसकी वॉशर है, स्मॉल वॉशर, और एक ये बोल्ट है, अलग से बोल रहे थोड़ा अलग बोल्ट है, बड़ा बोल्ट है। इसका बोल्ट लगा के फ्रेंड ये बोल्ट भी टैट हो गया, बोल्ट रेडी। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी प्लेट। इसकी प्लेट फ्रेंड ये है मेरे पास। ये प्लेट कभी कभी ऐसा होता है कि काफी दिक्कत से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्लेट आएगी अब यहाँ पे इस जगह इस हिसाब से आएगी, उसको अच्छे से साफ करके लगाएं। जब कभी भी आप अगर प्लेट लगाते हो तो आप इसको अच्छे से साफ करके फिट करें। तो फ्रेंड ये हो गई एकदम फिट बिल्कुल। और इसके ये जो है चार मुंह के पेच हैं, चार पेच। ठीक है, इसमें चूनी जो है 8 नंबर की चूनी होती है। इसमें सारा कुछ सेटअप हो चुका है, कलर फिट हो गई है, पेन लग गया है, फिल्टर की प्लेट लग गई है, यानी कि ऑयल फिल्टर भी लग गया है। ठीक है फ्रेंड, इसका सारा कुछ सेटअप हो चुका है, कलर फिट मैंने लगा दी है और आपको तरीका मैंने बता दिया कि कैसे फिट होता है। और मैं फिलहाल ऐसे ही करता हूँ जैसे कि और हर एक मैकेनिक भाई ऐसे ही करता है, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। तो जल्दबाजी में जो काम होते हैं उसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि उसमें इतना सफाई नहीं करते हैं। तो फ्रेंड अभी रहे इसका क्लच कवर के, और ये रही क्लच की ठेसी। ठीक है, ये थी फ्रेंड, हम यहाँ पे इस जगह लगाते हैं और ये जो लगती है यहाँ पर इस हिसाब से लगती है, जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच प्लेट दबती है इस चीज से। तो फ्रेंड ये लग गई यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहा इसका क्लच कवर का पैकिंग। और अब हम टूब थोड़ा ऐसे ही लगाएंगे, यानी कि हल्का फुल्का हाथ से लगा के टूब हल्का फुल्का लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसकी डबल पिन आपको हमेशा चेक करनी है। जब कभी भी अगर आप क्लच कवर चेक करते हो, डबल पिन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर डबल पिन नहीं होती है तो इसका जो अलाइनमेंट होता है ना, यानी एक इसका सेंटर होता है, वो प्रॉपर सेट नहीं होता। तो ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल एकदम सेट हो गया है प्रॉपर। और अब हम इसकी हल्की सीट पर कवर लगाएंगे, यानी कि इंजन जो चैम्बर है इस पर फिट। ठीक है फ्रेंड, ठेसी मैंने इसमें ऑलरेडी लगा दी है और अभी इस हिसाब से फिट होता है। ठीक है फ्रेंड, क्लच कवर फिट हो गया है कंप्लीट। अब इसके 8 बोल्ट लाएंगे। 8 बोल्ट जो है फ्रेंड, 8 बोल्ट है इसके ये बोल्ट। ठीक है फ्रेंड, सबसे बड़ा जो बोल्ट आता है वो आता है इस साइड यहाँ पर चला, और ये जो है सबसे बड़ा बोल्ट दूसरे सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे। बाकी ये एक साइज के ही बोल्ट है, तो इसको हम कहीं से कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, इसके 8 बोल्ट पड़ते हैं टाइट 8 बोल्ट। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये बोल्ट ऐड करता हूँ, यहीं पे ये नीचे वाली साइड का है, नीचे वाली साइड से अक्सर ऑयल लीकेज होती है ज्यादा। तो और दूसरा ये रहा, बॉल टाइट हो गए हैं, क्लच का काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी क्लच की जो फिटिंग होती है फ्रेंड ऐसी ही फिटिंग होती है, और इस रास्ते ही फिटिंग आपको करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अब जो है फ्रेंड, अब इसका टाइमिंग चेंज का